दोस्तों, हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं या कोई नई जगह देखने जाते हैं तो हमारे दिमाग में यही होता है कि हमें कुछ नया सीखने को या फिर देखने और एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। कई बार तो लोग ऐसी घटनाएं देखते हैं जो आम तौर पर बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो कभी कभार हमें डेली लाइफ में ऐसी कुछ घटनाएं देखने को मिलती है जो सच में लाखों में एक होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें अगर कैमरा पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता तो कोई भी इन पर यकीन नहीं करता, और वाकई में ये इतने खतरनाक एक्सपीरियंस हो सकते हैं जो शायद कोई एक्सपीरियंस भी करना चाहेगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखना। समुन्दर के पानी में मस्ती करना किसी खतरे से खाली नहीं होता। न जाने कब कौन सा खतरनाक जानवर हमारे पास आ जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा। पानी में रहकर शार्क से पंगा लेना ऐसा है जैसे जंगल में जाकर शेर से लड़ना। इसलिए जब भी समुन्दर में स्विमिंग या डाइविंग करने जाए तो उस जगह के बारे में पहले पता कर लेना चाहिए कि उस जगह कोई खतरनाक शार्क तो नहीं है। लेकिन अक्सर लोग जब भी कहीं फिशिंग करने के लिए बोट लेकर जाते हैं तो कभी कभार वहाँ के गहरे पानी में बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के स्विमिंग करने के लिए जाने की बेवकूफी करते हैं, क्योंकि पानी में कहाँ शार्क घूम रही हो ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ साल पहले कुछ दोस्तों के साथ हुआ जब वो फिशिंग करने गए थे, और उनमें से एक दोस्त बिना कुछ सोचे समझे पानी में स्विमिंग करने के लिए उतर गया था। कुछ देर वो वही स्विमिंग करता रहा कि वहाँ अचानक एक शार्क बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। ये देखकर वो घबराते हुए बोट के अंदर आने के लिए लपका, और उसके दोस्तों ने भी शार्क को आता देख बोट की इंजन स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से शार्क उस आवाज को सुनकर पीछे हट गई, वरना तो वो लड़का उस शार्क का निवाला बनने ही वाला था। ऐसे ही एक डाइवर जब पानी में डाइव करते हुए वीडियो शूट कर रहा था तभी उसके एक साथी डाइवर के सर के बहुत ही करीब से एक खतरनाक शार्क गुजरती है, जिसे अचानक देखकर वो डाइवर जरा सा झुक जाता है और शार्क उससे बहुत पास से निकल जाती है, वरना तो उस डाइवर का सर सीधे उस शार्क के मुंह में होता। और शायद वो शार्क भी उस वक्त शिकार करने के मूड में नहीं थी, वरना तो पानी में शार्क के इतने पास जाकर उसके हमले से बचना नामुमकिन है। सांप एक बहुत ही खतरनाक जीव है, ये बात सभी जानते हैं। दुनिया में जितने भी तरह के सांप है उनमें से कुछ सांप जहरीले भी होते हैं। एनाकोंडा सांपों की प्रजाति के सबसे बड़े और खतरनाक जीवों में से एक माने जाते हैं। ये इतने बड़े और ताकतवर होते हैं कि एक इंसान को आराम से पूरा निगल सकते हैं। इनके पास जाना मतलब खुद की जान को जोखिम में डालने के बराबर होगा, लेकिन इन पर रिसर्च करने वाले लोगों को इनके पास अक्सर जाना पड़ता है ताकि वो इनके बारे में जानकारी हासिल कर सके और इन्हें समझ सके। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े एनाकोंडा करीब से कैसे दिखाई देते हैं। इनके शरीर को देखकर लगता है कि इससे ज्यादा खतरनाक चीज हो ही क्या सकती है। इनका कैमोफ्लेज जैसा कलर इन्हें पानी और जंगली झाड़ियों में छुपने में मदद करता है। इनका शरीर काफी बड़ा होने के बावजूद भी ये बहुत लचीले होते हैं, जो इन्हें शिकार को जकड़ने में मदद करता है। इन लोगों को भी मानना पड़ेगा जिन्होंने इस खतरनाक जीव के इतने करीब जाकर ये वीडियो रिकॉर्ड किया। वो कहते हैं ना कि आग, हवा और पानी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग समझते कहा है। ये लड़की समंदर के किनारे इस टीले के पास खड़ी होकर टाइटैनिक वाला पोज दे रही थी, जबकि पीछे समंदर की लहरें पूरे आक्रोश के साथ चल रही थी। और तभी एक बड़ी सी लहर आई और उसने उस लड़की को दूर उठाकर पटक दिया, जिसकी वजह से उसे काफी चोट भी आई, लेकिन वो लड़की सही सलामत थी। ऐसी जगहों पर तो और भी सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोग ये जानते हुए भी कि सामने खतरा है फिर भी अपनी मनमानी करते हैं, जैसे कि ये दोस्तों का ग्रुप जो लहरों के तेज होने के बावजूद भी समंदर में घूमने गए, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं था कि ये उन्हें कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। तभी एक बड़ी लहर आई और उन सबको बहाकर किनारे पे ले गई। भले ही इस हादसे में किसी को बड़ी चोट नहीं आई, लेकिन ये काफी जानलेवा साबित हो सकता था। प्रकृति कितनी खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा, लेकिन ये सिर्फ समंदर या हवाओं तक सीमित नहीं है। मिसाल के लिए डैम ले लेते हैं। आपने डैम तो कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जब डैम भर जाते हैं तो इनके अंदर के पानी को रिलीज करना पड़ता है, और अगर इस पानी को टाइम पे नहीं छोड़ा गया तो कितना भयानक साबित हो सकता है इसका अंदाजा आप इसके पानी से ही लगा सकते हैं। डैम से निकलते पानी को है तो कुछ लोगों के लिए बुरा, लेकिन जैसा भी हो इस देश के मौसम से तो काफी बेहतर ही है, क्योंकि इस देश में जब भी बारिश होती है तो आसमान से पानी नहीं बल्कि बर्फ के बड़े
बड़े ओले गिरते हैं, जैसे इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। ये इतने बड़े हैं कि अगर किसी इंसान के सर पर गिर जाए तो उसे काफी चोट लग सकती है। याद कि ये गाड़ियों के कांच भी फोड़ देते हैं। मेक्सिको शहर में अक्सर गर्मी का मौसम थोड़ा लंबा चलता है और कुछ साल पहले यहाँ गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जिससे वहाँ के लोग भी कुछ हद तक परेशान हो गए थे। और एक सुबह जब मेक्सिको के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि लगभग पूरा शहर हेल स्टॉर्म की वजह से लगभग 2 मीटर तक बर्फ में ढक चुका था। ये बात वहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल भी आम नहीं थी। वहाँ हेल स्टॉर्म आना कभी सालों से नहीं हुआ था और एक रात अचानक उसने पूरे शहर पर इतनी बर्फ बरसा दी, जबकि ये जगह समंदर की सतह से 5,000 फीट की ऊंचाई पर है। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मी अचानक बढ़ जाने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन ऐसे अनएक्सपेक्टेड हेल स्टॉर्म ने वहाँ के लोगों को काफी परेशान किया, जैसे इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि लोगों की गाड़ियाँ भी बिल्कुल बर्फ में धस चुकी है। अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो एक रेन फॉरेस्ट का है, जहां दो लोग एक नदी में तैर रहे थे, लेकिन उनमें से एक लड़का पानी में बहुत अजीब तरीके से बैठा हुआ था और दूसरा लड़का उसे देख रहा था। और कुछ ही देर बाद वो दोनों भागते हुए पानी से बाहर आते हैं। शायद उन्होंने पानी में कुछ ऐसा देख लिया था जो बहुत ही डरावना और खतरनाक था, या फिर कुछ और। और बाद में गौर से देखने पर हमें पता चला कि वो एक बड़ा एनाकोंडा था, जिससे डरकर ये लोग भाग रहे थे। निक एक रशियन यूट्यूबर है जो अलग अलग जगहों पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड करते हैं। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ एक गुफा में गए थे जो इतनी छोटी थी कि निक को उसमें रेंगते हुए जाना पड़ा। जब वो कुछ हद तक उस गुफा के अंदर जा चुके थे तो वो अपने दोस्तों को आवाज देने लगे, रिबियात, जिस पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। निक आगे चलता गया लेकिन उसे अपने दोस्तों की आवाज ही नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद निक का कैमरा और लाइट भी बंद होने लगी। वैसे ही निक वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा और जैसे ही वो बाहर निकलने लगा गुफा में से पत्थर नीचे गिरने की उसे आवाज सुनाई देने लगी। लेकिन निक वहाँ से कैसे भी होकर बड़ी मुश्किल से निकल गया। लेकिन सच में मुझे ये समझता नहीं कि इतनी छोटी जगह में घुसने की हिम्मत लोग कर भी कैसे लेते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई आदमी किसी भूतिया जगह गया हो और उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ हो। 3 दोस्त एक पुराने असाइलम को एक्सप्लोर करने गए थे जिसे भूतिया माना जाता था। तीनों साथ ही में जा रहे थे तभी उनका एक दोस्त गायब हो जाता है, जिसे ये दोनों ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। लेकिन उनके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कोई सफेद चीज उस टनल के आखिर में खड़ी थी, वो कौन था ये किसी को नहीं पता। लेकिन लोगों का कहना है कि वो उस असाइलम के इंचार्ज की आत्मा है जो सालों से वहाँ है, जिसे कई लोगों ने महसूस किया था, या फिर हो सकता है कि ये उनका ही दोस्त हो। सच्चाई क्या है ये किसी को भी नहीं पता। गाइस, वोल्केनिक इरप्शन इस दुनिया की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि जितना नुकसान और तबाही एक वोल्केनो कर सकता है उतना शायद ही कोई और घटना कर सकती है। लेकिन बहुत ही कम ऐसे नज़ारे हैं जब वोल्केनो देखने में खूबसूरत लगे, जैसे कि ये वोल्केनिक इरप्शन जो कि सीधा समंदर के अंदर गिर रहा है। वोल्केनो खतरनाक हो सकता है ये हमें पता है, लेकिन इतना खूबसूरत भी हो सकता है ये शायद ही हमने कभी देखा होगा। और दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां वोल्केनो नदियों की तरफ बहता है। ये जगह इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल सही नहीं होती, लेकिन देखने में ये बिल्कुल अलग और खूबसूरत दुनिया लगती है, जिसे आपने इससे पहले शायद ही कभी देखा होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सी घटना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यार, ये वीडियो बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो हो सके तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।